के बाद थर्ड पार्टी का इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलता है गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स, बहुत सारी मल्टीपल क्लस्टर्स हुए थे, बट अभी के लिए ध्यान रखना है वापस से गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स नामक ये जो टीम है वो चैलेंज करती नजर आएगी। यूजुअली देखा जाए इनकी झड़प हो तो जरूर सकती है टीम यासना की तरफ, लेकिन अभी के लिए अलग अलग उतरे थे, लेकिन अभी रोटेशनल क्लैश के दौरान क्या ही कमाल का जेरी कंफर्मेशन निकास का, वो भूख का, वो चिकन का भूख का नजर आ रहा है दोनों टीम्स की तरफ से, बट देखते हैं जो गलतियां करेगा वो उस चिकन डिनर से वंचित तो रहता नजर आएगा, लेकिन सारंग यहाँ पर निकालेंगे फाइनली। चलिए जेली को वहां पर एक नॉकआउट मिले, बस ध्यान रखें पिछले मुकाबले में हमने देखा था जेली को नॉकआउट और तुरंत समाप्त किया जाया था, और इस बार भी कुछ ऐसे ही होड़ पे कोशिश चल रही है, बट जेली दौर पे जाने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, क्या रिवॉल्व मिल पाएगा एक बड़ा सवाल रहने वाला है। आसपास अगर देखा जाए कोई टीम परेशान कर रही है तो वो टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स है, लो टॉस या फिर फुल टॉस वो अभी के लिए यूटिल्स को इसी तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपनी यूटिल्स का। अगर वो क्रॉस करे तो उन्हें डाउन किया जा सकता है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कल अगर फेवर नहीं करे चीजें बदलेंगी। हाइड्रा एक और बुरा प्रदर्शन आपको यहाँ पर देख सकता है, बिकॉज दो ही प्लेयर्स मुझे अभी के हाइड्रा के दिख रहे हैं और उनमें से भी एक कलर ड्रीम्स को डाउन किया, स्पर्श की तरफ बढ़ने की कोशिश रहेगी एडमिन की जरूर से, और ग्रेनेड्स के साथ वो एंट्री करना चाहेंगे, ग्रेनेड्स आपको निकलती दिखेंगी और ग्रेनेड अभी तक तो वैल्यू नहीं मिली, बट उस खिलाड़ी की पोजीशन वो आपको यहाँ पर लोगों को आप ये स्मार्टनेस आप देख ही सकते हैं, रूफ टॉप की तरह स्मोक डाले, स्मोक के बिल्कुल एजेस से अपना वो पीक लेके खड़े रहिए, एडीएस ओपन कीजिए और आपके सामने नॉकआउट्स मिल जाएंगे, और सेम वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उसको उनको जो फायदा मिल रहा है तो पीछे क्यों हटना, और एक खिलाड़ी अकेले नहीं चौर से साथ देते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ तो और भी टीम टूटती पड़ती नजर आने वाली है, लेकिन वो बहुत ओपन में रूफ टॉप में इस तरह से ओपन में रहना खतरे से खाली है। जोनाथन अगले तो नॉकआउट हो जाएंगे, तो शायद सिम की वो जिम्मेदारी है उनको यहाँ पर अभी के लिए तो पैरों के बल खड़े करना, लेकिन और भी टीम्स आ चुकी है यहाँ पर, बट सामने सेम पे निकाले मारने को इंस्टेंट नॉक, इनसे समाप्त किया जाएगा, दूसरा खिलाड़ी भी आ चुके हैं उनके ऊपर, वो स्लैमिंग करते हुए सेम पैर एस पावर की जंग, देखते हैं कौन निकाल पाएगा, लेकिन अभी के लिए उनको भी घुटनों के बल लेकर आ जाएंगे, और देखते ही देखते क्या कमाल का डिफेंस करा है, लेकिन हाँ इस बैटल में इस डिफेंस में कुछ थर्ड पार्टीज भी थी जिसने टीम आइकोसोल को रोका है यहाँ पर अंदर आने से, और अब रूप का इलाका ये वो एंगल है जहां से स्काउट इस गेम को अभी भी तंग कर सकते हैं और खराब कर सकते हैं, नेट शक्ति दिखेगी जरूर से, बट देखिए P90 में बुलेट जो है वो लिमिटेड है, अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो फिर कठिनाइयां होंगी स्काउट के लिए भी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि शायद फिर उसमें ज्यादा वो सर्वाइवल हो नहीं पाएगा, लेकिन ट्राई करें अपनी तरफ से जितना हो सके परेशान तो किया जाए, लेकिन ध्यान से स्काउट, क्योंकि रूफ टॉप का मतलब है आप अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करवा सकते हैं, सामने बैठी टीम तमिलास उनको भी स्पॉट आउट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से स्काउट परेशान करते सिम को तो देखा जाए समाप्त भी कर दीजिएगा, तो फ्रैक्स आ चुके हैं, ये बैटल एक अलग ही स्तर पर जाते नजर आने वाली है। स्काउट मुझे लग रहा है कि अब शायद रूफ टॉप टू रूफ टॉप या वही ट्रैवल करना चाहते हैं सामने से, अभी के लिए जंप लगाकर हो सकता है इस पर्टिकुलर स्क्वाड हाउस के अंदर जाया जा सकता है, ट्राई करेंगे, और अगर ये क्लच निकलता है बहुत एपिक क्लच पे जाना चाहेगा, लेकिन सामने खिलाड़ी अगर आप देखिए डीवीएस के साथ है तो इतना आसानी से तो हार नहीं मानने वाले वो, लेकिन ये क्या वोक्स, यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे रहे थे कि एक बैटल चलती नजर आएगा, लेकिन वोक्स का ग्रेनेड क्या सटीकता का उदाहरण देता नजर आए यहाँ पर, और अगेन बार बार लगातार आपको वो चीज यहाँ पर होती दिख रही है अभी के, तो मजा आ रहा है जिस तरीके से वो प्लेज आगे चल रहे हैं, बट मोक्ष भी आपको आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ग्रेनेड का एक और इस्तेमाल चलता दिखेगा जरूर, बगल से बड़ी स्प्रेज और यहाँ समापन, एडमिनो वो जीवन दान देते दिखेगी टीम को वापस से यहाँ पर, और लीजिए बढ़ेगा टीम गॉडलाइक यहाँ पर अपनी कमान संभाल ले, वो सक्षम कर ले तो चीजें बदल सकती है, और जॉनथन अनदर तमिलास एडवांटेज आपके पास है सर्कल के एरिया पे, ठीक आपको अंदर आती दिखेगी गॉड लाइक, लेकिन नहीं वो एक गलती पीक करने की और कंफर्मेशन जॉनथन के हाथों, अभी भी टीम तमिलास जैसी वो कंपटीशन देने के लिए तैयार बैठे, बॉक्स के अंदर से यहाँ पर नॉकआउट निकाला जाएगा, मिस्टर आईशेल को कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान यहाँ पर गलती से भी नॉकआउट होने की गलती नहीं करनी है टीम, अपनी गन पावर के साथ ही समाप्त करना पड़ेगा यहाँ पर सरदार जी फाइट को, ग्रेनेड्स नहीं है ट्रबल्स नहीं है यहाँ पर जॉनथन के पास, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने काफी ज्यादा यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट की, तमिलास के आईजल साहब दिक्कत है कि उनको नहीं पता ओपन में आ चुके आईजल साहब, जॉनथन एम गेम पे सारी डिफेंड करेंगी, डीवीएस के साथ निकलना चाहेंगे जरूर से कनेक्शन ढूंढा, एचपी का गॉड
कंफर्मेशन निकाला, टीम तवलास की पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली बाहर किया है।